हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, अब तक हमारी पिछली वीडियोस में हम ये सीखते आए हैं कि स्पेनिश सीखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी पांच कौन सी चीज़ें अगर आप ये करते हैं तो आप स्पेनिश नहीं सीख सकते। तो बिल्कुल हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए स्पेनिश के लिए, साथ साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर है स्पेनिश सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोस, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मिले रेगुलर अपडेट्स, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए तभी तो आपको मिलेंगी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस। आप सभी को मैं बता दूं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं स्पेनिश की, आप घर बैठे स्पेनिश सीख सकते हैं और हिंदी माध्यम से सीख सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से सीख सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख को मैं अपना कोर्स लॉन्च करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, स्पेनिश सीखना मतलब लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें, तो उनको लगता है कि हमको हमारा टीचर घोल के पिला देगा और हम स्पेनिश सीख लेंगे। ना तो वो होमवर्क टाइम पे करते हैं, ना वो किसी भी टास्क को जिस तरह से कहा गया होता उस तरह को से नहीं करते हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अगर आप टीचर के भरोसे बैठे हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अपने बिना एफर्ट लगाए हुए आप लैंग्वेज सीख लें। ये बहुत बेसिक बात थी, लेकिन याद इसलिए दिलानी पड़ती है क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका अप्रोच ये होता है, जो कि बहुत गलत है। दूसरा, बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ स्पेनिश बोलनी सीखनी है, ठीक है, अब वो लिखना नहीं चाहते, किसी चीज़ को नोट डाउन नहीं करना चाहते, मतलब हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं। उनको लगता है कि स्पेनिश एक करंट अफेयर्स है जिसकी हमको कहीं से पीडीएफ मिल जाए और वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हो, हमको लिखना एक अक्षर न पड़े। तो यार, स्पेनिश या कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं उसके चार हिस्से हैं, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना। ये गाड़ी के चार पहिए हैं जिनमें से अगर एक पे भी अगर आपने ध्यान से काम नहीं किया तो फिर गाड़ी हमारी चल नहीं सकती। तो इस वजह से प्लीज़ डेली जितना हो सके उतना कोशिश करो, लिखो, अपने नोट्स बनाओ, वोकैब्स को नोट डाउन करो। यही चीज़ रीडिंग पे भी फोकस होती है कि अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे जब आप रीडिंग नहीं करेंगे तो नए शब्द नहीं आएंगे, और रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसमें आप बोल बोल के पढ़ते हो तो आपकी स्पेनिश की लिसनिंग भी इम्प्रूव होती है। और मतलब ये समझो कि रीडिंग से क्या क्या फ़ायदा है, एक तो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और बोल रहे हो, तीनों चीज़ें हो रही हैं। नई वो कैब पता चलती हैं, उनको आप नोट डाउन कर लो, अगर वो नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको नए नए शब्द आएंगे, है ना, कैसे उनकी हैबिट होगी। कोई नए शब्द आपको कोई दे थोड़ी जाएगा, आप इसी तरह से पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो आप नए शब्दों को अपनी हैबिट में लाते हैं, उनको सीखते हैं, ठीक है। अगला है बहुत सारे लोग हैं जो स्पेनिश को हिंदी या फिर इंग्लिश ग्रामर से कनेक्ट करते हैं, या फिर कोई चीज़ लिखी है उसका लिटरल मीनिंग ढूंढने लगते हैं, ठीक है, फिर उनको वो लिटरल मीनिंग मिलती नहीं है और फिर वो कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। तो यार देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेनिश के थ्रू ही समझनी पड़ेगी, स्पेनिश में ही समझनी पड़ेगी, उसका लिटरल मीनिंग आपको नहीं आएगा। हर भाषा के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे कानून होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेनिश और इंग्लिश में है ही नहीं, अब उसका ढूंढ रहे मीनिंग। तो इस वजह से मेरी आपको राय यही रहेगी कि आप प्लीज़ लिटरल मीनिंग मत ढूंढें, स्पेनिश की चीज़ों को स्पेनिश में ही समझें, ठीक है। अगला है, बहुत सारे लोग सबसे ब्लंडर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो लोग नहीं करते हैं, वो है रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब स्पेनिश सीखना शुरू करते हैं तो वो क्या होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं। लेसन नंबर, मान लो मैं स्पेनिश पढ़ाता हूँ तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो लेसन नंबर मान लो 15 पे है, अब लेसन नंबर 4 और 5 उन्होंने रिवाइज नहीं किया, भूल गए वो सारी वोकैब जो जिसमें उनको कमांड थी, जिसमें उनको महारत हासिल थी, रिवीजन किया नहीं, सारा सब कुछ भूल भाल गए। यार रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, मतलब ये एक ऐसा सर्किल है कि घूम घूम के फिर से वो वहीं पे आ रहे हैं, घूम घूम के फिर से वहीं पे आ रहे हैं। तो रिवीजन करते चलो, इससे क्या होगा कि हफ्ते में जैसे मान लो कि 7 दिन है, तो 7 दिन में एटलीस्ट 1 दिन तो रिवीजन का रखो ही रखो, ताकि हम पिछला पुराना जो था वो हम रिवाइज कर सकें। वो कैब है यार, हम इंसान हैं,
कुछ दिनों पर सारी चीज़ें भूल जाएंगे और आप जो है रिवीजन करते नहीं हो। जब रिवीजन नहीं करोगे फिर कहोगे टीचर गंदा है, इंस्टीट्यूट गंदा है या तमाम ऐसी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। क्रिएटिव बना सकते हैं, जैसे मान लो कि आप कुछ क्विज करिए, जैसे मेरे एप्लीकेशन में तमाम ऐसे क्विज हैं, बच्चे क्विज देते हैं तो उनका क्विज होता है ना। या फिर आप रीडिंग करते हो तो नई नई कहानियाँ पढ़ो, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड आप कहानियाँ पढ़ो। तो जब रीडिंग करते हो तो उसमें जब कोई ग्रामर रूल फंसा, अच्छा ये चीज़ तो मैंने वहाँ पढ़ी थी, ठीक है वो कैब है, उनको जो आपस में आपके कुछ दोस्त बना लो और उनके साथ आपस में शेयर करो कि 10 वो कैब तू सुन ले, 10 वो कैब मैं तेरी सुन लेता हूँ। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब अगला और सबसे लास्ट, नेटिव स्पीकर। आप सभी लोगों को नेटिव स्पीकर को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप स्पेनिश सीखने जाते हैं तो मान लो आपको वो स्पीकिंग के लिए 15-20 मिनट या दे रहे हैं। ऐसा मुश्किल ही होता है कि क्लास में अगर 30-35 बच्चे हैं और अगर सबको वो 5-5 मिनट भी देंगे तो कितने घंटों की क्लास चलेगी। तो प्लीज़ आप लोगों को स्पेनिश में अगर आगे बढ़ना है तो आप लोगों को कुछ नेटिव फ्रेंड्स बना लेने चाहिए, जिनसे आप रेगुलरली डेली कम से कम आधे घंटे कन्वर्सेशन करिए, है ना। अगर आप डेली उनसे आधे घंटे एक घंटे कन्वर्सेशन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी, उनके बोलने के तौर तरीके भी आपको पता चलेंगे और ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेनिफिट आप घर पे बैठ के या घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, लेकिन किताबों के माध्यम से नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि किताबें हमको बोलना नहीं सिखाती हैं, किताबों से हम वोकैब सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमको करना है, जिनके लिए हम स्पेनिश सीख रहे हैं, अगर उनके साथ हम बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पेनिश बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। और ऐसा देखा भी गया है कि अगर आप सिर्फ नेटिव स्पीकर से बात करें तो बहुत लोग सिर्फ सुन के उनके स्टाइल को कॉपी करके स्पेनिश सीख लेते हैं, ठीक है। तो नेटिव स्पीकर आप ढूंढ लीजिए, आपको इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेज हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं तो एक एप्लीकेशन है हेलो टॉक, वहाँ से भी आप उस एप्लीकेशन पर जाके आप नेटिव स्पीकर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है मेरी जो राय है, मेरी जो कॉन्सेहोस हैं उस पर आप काम करेंगे और स्पेनिश को सीखेंगे। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, पर्सनल को गाइडलाइन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो मुझसे आप जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस में नेटिव स्पीकर्स भी हैं जिनके थ्रू हमारी क्लास होती है, तो आपको घर बैठे सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, कुइदाते मुचो। Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.